नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोहॉलिक रवि यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया अपडेट। अपडेट ये है कि जियो का फीचर फोन 2 लॉन्च हो गया है। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप जियो का फीचर फोन जो यूज 1500 रुपए वाला जो फोन यूज कर रहे थे उसका नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन जियो फोन 2 लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्या है इसकी प्राइस, और मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा आपके पिछले जो जियो फोन है और जियो फोन 2 में क्या अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इसके बगल का जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं हर दिन अपने चैनल पे ऐसे ही टेक्निकल बातें, टेक न्यूज और एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहता हूँ और आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं जियो फीचर फोन 2 के कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसमें आपको 2.4 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी और आपका जो रिजोल्यूशन होगा वो 240x320 पिक्सल का होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 512 MB की रैम मिल जाएगी और आपको 4GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस मेमोरी को, इंटरनल मेमोरी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा करके, और आपको इसमें 128GB तक का सपोर्ट मिलता है। मीन्स आपको 128GB की मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 0.3 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और आपका जो रियर कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो कि आपको जो पहले का जो जियो फोन था उसमें आपको 0.8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको जो फीचर फोन आपको काई ओएस में मिलता था, जो पहला जो फीचर फोन था, और आपका जो जियो फोन 2 है इसमें भी आपको काई ओएस ही मिलेगा, मीन्स KAIOS। तो फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करते हैं, तो आपका जो जियो फोन फीचर 2 जो है, जो फीचर फोन 2 जो है जियो का, उसमें आपको मिलेगा क्वार्टी कीपैड। मीन्स आपने अगर ब्लैकबेरी अगर मोबाइल फोन देखा होगा, ब्लैकबेरी में जैसा क्वार्टी कीपैड होता था वैसा ही क्वार्टी कीपैड आपको मिलेगा जियो फीचर फोन 2 में, जो कि आपको नॉर्मल कीबोर्ड मिलता था, कीपैड जो आपका होता था मोबाइल का वो आपको जियो फीचर फोन में मिलता था। जियो फीचर फोन 2 में आपको फ्रेंड्स जीपीएस की भी सुविधा मिल रही है, जो कि आपको जियो फीचर फोन का जो पहला जो वर्जन था उसमें आपको नहीं था। और आपको इसमें फ्रेंड्स एनएफएस, आपको इसमें वाईफाई, आपको ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, सब कुछ आपको मिल रहा है जियो फीचर फोन 2 के साथ में। और फ्रेंड्स, जियो फोन 2 जो फीचर फोन 2 है उसमें आपको एक मॉनसून हंगामा ऑफर भी मिल रहा है, जो कि आप अपने पुराने फीचर फोन को एक्सचेंज करके और मात्र 501 रुपए में आप नया जियो फीचर फोन 2 ले सकते हैं। ऐसे इसकी प्राइस 2999 रुपए है जियो फीचर फोन 2 की, लेकिन आप अगर पुराने हैंडसेट जो आपका फीचर फोन है उसे अगर एक्सचेंज करते हैं तो आपको मात्र 501 रुपए में जियो फीचर फोन 2 मिल सकता है। ये कदम जियो ने इसलिए उठाया ताकि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके, बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, इन सबको वो पीछे छोड़ सके, क्योंकि मार्केट में जो फीचर फोन है उनमें वही सिम कार्ड यूज हो रहे हैं जो कि जियो के नहीं है, और जियो चाहता है कि हम अपना मार्केट में सारे कस्टमर्स को अपना सिम दें। इस वजह से ये फीचर फोन लाया गया फ्रेंड्स। ये फीचर फोन आपको ड्यूअल सिम के साथ आता है, मींस आपको 2 सिम कार्ड इसमें लगेंगे। जो पहला आपका जियो का फोन आता था उसमें 1 सिम ही आप यूज कर पाते थे, वो भी केवल जियो का सिम। और फ्रेंड्स, आपको जो जियो फीचर फोन 2 है इसमें आपको 2 सिम स्लॉट होगा, जिसमें आपको पहला जो सिम कार्ड स्लॉट होगा वो लॉक होगा जियो के लिए, मींस उसमें पहला सिम स्लॉट में आपको केवल जियो का ही सिम काम करेगा, और दूसरा जो सिम कार्ड स्लॉट रहेगा उसमें आपको अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम भी काम करेंगे। तो ये एक अपडेट काफी बढ़िया अपडेट है आपको जियो फीचर फोन 2 के साथ में। आपको जियो फीचर फोन जो पहला जो वर्जन था उसके साथ आपको कुछ कमियां थी, जो कि आपको सिंगल सिम था, मींस उसमें आप अपना जो पहले का सिम है वो आप यूज नहीं कर सकते थे, केवल जियो का ही उसमें सिम यूज आप कर सकते थे। फ्रेंड्स, आप मॉनसून जो हंगामा ऑफर है उसके लिए आप 21 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स 21 जुलाई से ये ओपन हो जाएगा लिंक उसका, आपको एक्सचेंज ऑफर का। मीन्स आपको कोई भी पुराने फीचर फोन, मीन्स आपका पुराना भी फोन है किसी भी कंपनी का है, कोई मैटर नहीं करता है। ये नहीं कि आपको पुराना वाला जो जियो फोन है वो आपको एक्सचेंज करना है, आप कोई भी फीचर फोन जो आप पहले से यूज कर रहे हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, नोकिया का हो, कोई भी फीचर फोन आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ आपको जो जियो फोन पहला वाला है उसी के साथ एक्सचेंज हो सकता है जियो फोन 2, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी फीचर फोन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स,
मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, एक और अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि जियो फीचर फोन जो वन था, मींस जो वर्जन वन, जो सबसे पहला जो जियो का फोन आया था, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये था कि उसमें आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते थे, फेसबुक के लिए ब्राउजर इनबिल्ट ब्राउजर था वो आप यूज कर सकते थे, यूट्यूब के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इन सारे के लिए जियो ने अनाउंस कर दिया है कि हाँ, हमारा जो अपडेट है वो आपको अगस्त में आ जाएगा, कि अगस्त मीन्स 15 अगस्त तक आ सकता है ये अपडेट, कि आपको एक अपडेट आएगा, मीन्स ऑफिशियल अपडेट आएगा, जिससे अपडेट करके और आप अपने जो पुराने जो फीचर फोन है जियो के, उसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो जियो फोन 2 है, इसमें आपको इनबिल्ट फेसबुक, व्हाट्सएप और आपको यूट्यूब, ये सारे कुछ आपको मिल जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आपको जियो फोन के बारे में। तो ये जो आपका जियो फोन 2 है, ये आपको लॉन्च हो जाएगा 15 अगस्त से, इसकी सेल शुरू हो जाएगी, मीन्स 15 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा और उस दिन से आप इसे परचेज कर सकते हैं। जो एक्सचेंज जो कस्टमर है, जो जिन्हें एक्सचेंज करना है, वो 21 जुलाई से ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जियो की तरफ से एक और नया अपडेट ये भी आ रहा है कि जियो फाइबर भी लॉन्च हो जाएगा 15 अगस्त को। हाँ फ्रेंड्स, 15 अगस्त को आपको जियो फाइबर ही लॉन्च हो जाएगा। इंडिया के लगभग 1100 शहरों में एक साथ इसे लॉन्च किया जाएगा और इसकी सर्विस की भी टेस्टिंग एक तरह से सबसे पहले की जाएगी, उसके बाद आपके घरों में, मीन्स हर घर में जियो फाइबर दे दिया जाएगा और आप जियो फाइबर को यूज कर पाएंगे। वैसे अभी ज्यादा कुछ अपडेट नहीं आया जियो फाइबर को लेकर के, ये तो अब 15 अगस्त को ही पता चलेगा कि क्या इसके स्पीड होंगे, क्या इसकी खासियत होगी, क्या इसके फैसिलिटीज होंगे, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये सारे कुछ आपको 15 अगस्त को ही पता चलेगा, या हो सकता है उससे पहले जियो कुछ अनाउंस करे उसके बारे में। ज्यादा कुछ जियो ने नहीं बताया है जियो फाइबर के बारे में, लेकिन जियो फाइबर लॉन्च हो जाएगा 15 अगस्त को एक साथ भारत के लगभग 1100 शहरों में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जियो का फीचर फोन 2 कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी, आप इस फोन को खरीदने जा रहे हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये न्यूज जान पाए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और इसके बगल का जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हर दिन ऐसे ही टेक्निकल बातें और टेक न्यूज और एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ और हर दिन कुछ न कुछ नया आपको सिखाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।